नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा, इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 19 वीडियो है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिविजन से लगेगा, हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम आगे किसी भी चैप्टर को समझाते हैं आपको 100% समझ में आएगा। इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि एक कमजोर छात्र 100% में सीख सके। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी कमजोर छात्र हैं उन तक आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। ट्रेनिंग क्लास पढ़ने के बाद परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज में 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस में भी कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड टेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड टेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, उसमें 17 वीडियो है, जिसमें आयु संबंधी प्रश्न और मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप में कुल 3 वीडियो है। उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड वर्क में कुल 10 वीडियो है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टर्न में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद ट्रेन टाइम डिस्टेंस रेसेस पढ़ना है, उसमें 12 वीडियो है। बोट इन स्ट्रीम पढ़ना है, बोट इन स्ट्रीम में 4 वीडियो है। एवरेज पढ़ना है, एवरेज में 10 वीडियो है। नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम में 20 वीडियो है, और भी वीडियो आने वाली है। उसके बाद आज हम लोग ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं, ज्योमेट्री में आज पहली क्लास है। ज्योमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं 6 चैप्टर के लिए 1000 रुपीज पे कर रहा हूं, जिसमें एवरेज, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 6 चैप्टर के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने हैं। इस 1000 के बाद आपको दोबारा मैथमेटिक्स के लिए कभी फीस नहीं देना है। हम सारे चैप्टर के टफ से टफ क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं, उसके लिए भी आपको कोई फीस नहीं देना होगा, एक बार आपको फीस देना है बस। आज हम लोग ज्योमेट्री की पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं रेखा एवं कोण। ज्योमेट्री में मुख्यतः 5 चैप्टर होते हैं, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल और पॉलीगन, ये 5 चैप्टर होते हैं। ज्योमेट्री में बहुत सारे लड़कों की कमजोरियां होती हैं, जिस प्रकार से एरिथमेटिक में सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक की। किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए लॉजिक और कॉन्सेप्ट का होना आवश्यक था एरिथमेटिक में, लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। एडवांस मैथमेटिक्स में खास तौर से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ नियम, कानून, शर्तें, प्रॉपर्टी, फॉर्मूले होते हैं, उसको आपको जानना होगा। जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है तो 170 और 190 आप नहीं बोल सकते। 2 कोणों का योग 90 हो, पूरक कोण कहलाता है, कंप्लीमेंट्री कहलाता है, तो 90 ही होता है, 89 नहीं होता है। 2 कोणों का योग यदि 180 होता है, संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, आप 189 नहीं कर सकते, 191 नहीं कर सकते। जैसे आपको घर से दिल्ली आना है तो एक खास रूट बना हुआ है, एक खास ट्रेनें बनी हुई हैं जिसकी टाइम टेबल आपको पता होता है। उसी प्रकार से ज्योमेट्री को करने के लिए लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ शर्तें, प्रॉपर्टी, नियम, कानून के अनुसार चलना पड़ता है। यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और सारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होती है, कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में। हमें 5 चैप्टर पढ़ना है, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और पॉलीगन। रेखा एवं कोण हम शुरुआत करते हैं, ट्रेंगल में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, बेसिक ऑफ ट्रेंगल। बेसिक ऑफ ट्रेंगल में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 क्यों होता है, कैसे आया है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, उसके एरिया परिमाप के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स, अंतः केंद्र क्या होता है, जब कोणों को आधा आधा करते हैं अंतः केंद्र बनता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक करते हैं तो कटान बिंदु अंतः केंद्र हो जाता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबार्धक जहां प्रतिच्छेद करते हैं परिकेंद्र हो जाता है, अर्थो सेंटर, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का लंब केंद्र, लंब अल्टीट्यूड, लंब जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं लंब केंद्र हो जाता है, मीडियन प्रतिच्छेद करते हैं केंद्रक बनता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती हैं, जिसको हमें क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चन को अटैक करना होता है। यदि आपको
प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें नहीं पता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप क्वेश्चन के साथ उलझे रहते हैं। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, समरूपता। समरूपता त्रिभुज में भी यूज होता है, समरूपता वृत्त के भी कॉन्सेप्ट में यूज होता है, समरूपता आपके चतुर्भुज में भी यूज होता है, रीढ़ की हड्डी है ये भी। ये चारों केंद्र और सिमिलरिटी आपको आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, सीबियंस रूल पढ़ेंगे, मास पॉइंट पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन हम टफ से टफ क्वेश्चन है। हम ज्योमेट्री इस प्रकार से पढ़ेंगे कि कोई भी छात्र पढ़ सके, चाहे वो यूपी टेट दे, सीटेट दे, चाहे वो एमटीएस दे, सीजीएल दे, सारे यूपीएससी दे, सीपीएफ दे, सीपीओ दे, सारे को टारगेट किया जा रहा है। हम बीच बीच में आसान आसान क्वेश्चन लेंगे ताकि आप प्रॉपर्टी को मैं समझा सकूं, लेकिन बाद में हम टफ से टफ क्वेश्चन लेंगे, आएंगे सीजीएल लेवल तक, ठीक है ना। चतुर्भुज में ये चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इसमें हम लोग डिफिनीशंस इंपॉर्टेंट होती है, यदि आप डिफिनीशंस नहीं पता है तो आपको चतुर्भुज बनाने ही ढंग नहीं आएगा। डिफिनीशंस पता होंगी तो ही आप चतुर्भुज को बना पाएंगे, और डिफिनीशन पता होगी तो ही क्वेश्चन को अटैक कर पाएंगे। वृत्त में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जीवा पे आधारित थ्योरम और स्पर्श रेखा, टेंजेंट पे आधारित क्वेश्चन। उसके बाद विविध पढ़ेंगे, उसके बाद सारे टफ टफ क्वेश्चन को लेंगे, उसी प्रकार से बहुभुज हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे लाइन एवं एंगल से। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री कहां से शुरुआत होती है, तो ज्योमेट्री की शुरुआत एक पॉइंट से होती है। पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले आप लिख लीजिए पॉइंट। देखिए ज्योमेट्री की शुरुआत हमारी पॉइंट से होती है, पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, पॉइंट ए। पॉइंट एक ऐसी आकृति होती है जिसके कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होती है, जीरो डायमेंशन, न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, न रेडियस होता है, और रेडियस इतना छोटा होता है कि हम देख नहीं पाएंगे, न ही इसका क्षेत्रफल नहीं परिमाप होता है। यानी एक ऐसी आकृति जिसको केवल इमेजिन किया जा सकता है, पॉइंट होता है। इसको हम लोग मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर में भी हम लोग नाप नहीं सकते हैं। डायमेंशन लेस होती है, डिफिनीशन लेस होती है, कोई डिफिनीशन नहीं होता है, हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं। लिख लीजिएगा जो भी बातें हमने बोला है उसको आप लिखते चलिए, कोई कि मैं कोई भी चीज लिखवाऊंगा नहीं। कई पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं तो एक रेखा प्राप्त होती है। रेखा की डिफिनीशन होती है कि कोई अंत बिंदु नहीं होता है, आप बढ़ाते चले जाइए अनंत तक, ये हमारा रेखा होता है, ठीक है ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं लाइन बोलते हैं, ठीक है। लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन को सर लोग करवाते हैं, कहीं भी आप पढ़े लिखे हैं तो अपने मन से कभी लाइन को बढ़ाया सुना है ना, क्वेश्चन को करते वक्त लाइन को हमने बढ़ा दिया आगे बढ़ाने पर, ये क्यों? क्योंकि लाइन की डिफिनेशन होती है कि लाइन को अपने मन से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लाइन में एक थ्योरम इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। दो समानांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसी से सारे नियम कानून शर्तें जनरेट होती हैं, और इसको अगली क्लास में हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। यहां पे आने से पहले कुछ चीजें, यदि एक लाइन पे दो बिंदु ले लेते हैं और इसका नाम ए बिंदु और बी बिंदु, तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड बोलते हैं, ठीक है। दो फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे रे, एक ऐसा बिंदु जिसका ओरिजिन स्रोत है और एक ही तरफ बढ़ाते हैं, एक ही तरफ बढ़ाते हैं, उसको हम लोग रे बोलते हैं। रे को याद करने के लिए जैसे एक टॉर्च से क्या निकलता है बताइए, एक टॉर्च से रे निकलती है, तो एक ही तरफ एक लाइन को बढ़ाया जाए और अनंत तक बढ़ाया जाए, इसको हम लोग रे बोलते हैं। इसका ओरिजिन पॉइंट ये है और ये हम अनंत तक जा रहे हैं, इसको हम लोग रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है ना, किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। रे का एक
ओरिजिन पॉइंट होता है। ध्यान से देखिएगा, जब दो रे एक ओरिजिन से निकलती हैं, और बताना चाहूंगा कि गणित जो रेखा गणित है इसके फादर है यूक्लिड, यूक्लिड है, ठीक है ना, ठीक है, इसको जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, एक रे ये है और एक ये रे है, दो किरणों का ओरिजिन पॉइंट सेम है, इसको हम लोग जो झुकाव होता है उसका कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। कोण को हम लोग या तो डिग्री में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं, या तो हम लोग रेडियन में मापते हैं, ठीक है ना। एक रेडियन की जो वैल्यू होती है 57.29 डिग्री होती है, इसको आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग प्रूफ भी करेंगे और जानेंगे भी, एक रेडियन बराबर 57.29 डिग्री होता है। इसी को हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो 57.3 डिग्री होता है, एक रेडियन की वैल्यू 57.3। कोण को मापने की इकाई डिग्री और रेडियन। कोण क्या होता है? दो किरणों के झुकाव के बीच की दूरी को हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रेडियन में या इसमें मापते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग लाजिए, एक पॉइंट है उसको भी आप जान लीजिए, बाद में काम आने वाला है, बाद में काम आने वाला है। जैसे कि ए है, ओ है और बी है, तो इस कोण को रिप्रेजेंट करते हैं कोण ए ओ बी, यानी जो कोण यहां स्थित होता है इसको हम लोग बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम लोग पढ़ सकते हैं कोण बी ओ ए, यानी जो कोण पे बिंदु होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। एक पॉइंट में बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। यदि हम इस कोण के आधा आधा को, आधा आधा को हम आधा आधा को बांटते हैं तो इसको बोलते हैं कोण अर्धक, कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बोलते हैं। और इसको हम लोग इंटरनली कर रहे हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको आंतरिक अर्धक बोलते हैं, आंतरिक समद्विभाजक बोलते हैं, आंतरिक समद्विभाजक, कोण का आंतरिक समद्विभाजक, कोण का एंगल बाइसेक्टर, कोण का आधा आधा चीरना, कोण को समद्विभाजक, ठीक है ना। यदि बाह्य कोण का समद्विभाजक क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है और इसको आधा आधा करते हैं, इसको आधा आधा करते हैं, तो ये होता है हमारा बाह्य समद्विभाजक। जैसे ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, क्योंकि हमने कोणों को आधा आधा किया है। ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा, क्योंकि हमने इस कोण को आधा आधा किया है। एक लाइन पे बड़ा कोण हमारा 180 डिग्री का होता है, बीटा बीटा 2 बीटा और अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर 180, तो दो कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी कि जब कोण का आंतरिक समद्विभाजक करते हैं तो ये अल्फा और ये बीटा के बीच का जो कोण होता है, दोनों को जोड़ 90 डिग्री होता है। इस पर आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 10 मिनट बाद करवाता हूं, ठीक है ना। एक आंतरिक समद्विभाजक का कोण और बीटा का योगफल हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री होता है। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। देखिएगा, जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये हमारा 0 डिग्री, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। यानी कि इसके जो अंदर कोई भी कोण बनेगा ना, इसके नीचे, जैसे हमने 15 डिग्री का कोण बना दिया, ये न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, हाँ क्यूट एंगल, ठीक है ना, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है, न्यून कोण बोलते हैं। जैसे कोण 90 डिग्री का हो
जैसे कोण हमारा 90 डिग्री का हो तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, राइट RIGHT राइट एंगल। थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो राइट एंगल बोलते हैं। जैसे ही हम देखिए इसके इधर कोई भी कोण बना लीजिए न्यून कोण होगा, लेकिन जैसे ही कोण 90 सीधा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। और जैसे ही हम 90 से बड़ा हो जाते 90 से इधर जाते हैं तो ये जो कोण होता है 90 से बड़ा अधिक कोण होता है, अधिक कोण। अधिक कोण का मान 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, ठीक है ना। जैसे ही हम घूमते हुए इस पर सीधी रेखा पे जाते हैं तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही हम 180 से ऐसे भागते हैं और ये जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं बृहत कोण, बृहत कोण, बृहत कोण। इसका मान होता है 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होता है, यानी जो भी 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा उसको हम लोग बृहत कोण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और जैसे ही यह वृत्त कंप्लीट हो जाता है यानी कि यहां से घूमकर यहां पे आते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण, पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, समझ में आया है। यानी फिर से एक बार हम बता देते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, दिखाई दे रहा है ना, ओहो दिखाई नहीं दे रहा, बृहत कोण, बृहत कोण और 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब मैं जो दो पॉइंट बोल रहा हूं उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उस कोण को बोलते हैं हम लोग पूरक कोण। जैसे अल्फा है और बीटा है, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सम पूरक कोण बोलते हैं, सम पूरक कोण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दो कोणों का योग जैसे ये थीटा है, अल्फा है और बीटा है तो अल्फा प्लीट बीसा 180 हो, सप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे अल्फा है बीटा है, ठीक है ना, अल्फा है बीटा है और दोनों का योग यदि 30 है और ये 60 है और 90 बन जाता है तो दोनों कोण हम लोग बोलेंगे क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल। एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये भी हमारा साथ भी हो सकते हैं अल्फा और बीटा। जैसे ये हमारा 50 है तो ये हमारा 130 है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जब ये साथ साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं रैखिक युग्म का कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म का कोण, रैखिक युग्म का कोण बोलते हैं, लिनियर पेयर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, एक साथ होते हैं तब। इसको रिजु कोण भी बोलते हैं, जब 180 डिग्री होता है तो रिजु कोण भी बोलते हैं, ठीक है ना। दो कोणों का योग 90, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जैसे ध्यान से देखिए, पूरक क्या है,
छोटा शब्द है पूरक, तीन वर्डों से बना है, तो छोटा एंगल पूरक कोण होता है 90 डिग्री। सम पूरक बड़ा है, इसका मतलब 180 डिग्री वाला है, समझ में, दो कोणों का योग 180 होता है। देखिए सी हमारा पहले आता है तो 90 पहले आता है, एस हमारा बाद में आता है, इसीलिए हमारा 180 होता है। अब पूरक और संपूरक पे हम दो क्वेश्चन कराते हैं, उस क्वेश्चन को कर लीजिए, दो तीन क्वेश्चन कराते हैं और टफ से टफ क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है कि एक साधारण लड़का भी ज्योमेट्री पढ़े, जो सीटेट यूपीटेट जो भी एग्जाम छोटा मोटा दे रहा है, और सीजीएल लेवल वाला भी पढ़े। तो हम लोग अभी छोटे छोटे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। समझ में आया है या नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो हम क्वेश्चन लिखिए, तो पूरक और कॉम्प्लीमेंट सब आ गया, लिखिए क्वेश्चन नंबर पहला। एक कोण का मान उसके पूरक से, उसके पूरक कोण से 16 डिग्री कम है, उस कोण का मान बताएं, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 60 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड थीटा या एंगल, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये है, किसी कोण का मान पूरक से, ठीक है ना, 16 डिग्री। जैसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, हाँ 1 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 1 डिग्री का पूरक कोण होगा 89 डिग्री। 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री का संपूर्ण कोण होगा 150, क्योंकि दो कोणों का योग 180 होता है तो संपूरक होता है। थीटा डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, हाँ 90 माइनस थीटा होगा। किसी कोण का पूरक, यानी कि माना कि कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा। किसी कोण का मान पूरक से 16 कम है, ठीक है ना, यहां बराबर इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसकी बराबरी कर चुका है 16 घटाने से, थीटा को उधर ले जाएंगे तो 90 में से 16 जाएगा 74 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री। समझ में आया है? दो कोणों का योग यदि 90 होता है तो पूरक होता है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन पूरक और संपूरक पे क्वेश्चन कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कोण का संपूरक, एक कोण का संपूरक कोण इसका दो तिहाई है, कोण का संपूरक कोण बताएं, एक कोण का संपूरक कोण इसका दो तिहाई है, कोण का संपूरक बताएं, कोण का संपूरक बताइए, ठीक है। देखिए किसी कोण थीटा है तो उसका संपूरक कितना होगा, उसका संपूरक होगा 180 माइनस थीटा। समझ में आया? माना कि कोण थीटा है तो उसका संपूरक कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, और जो थीटा है
इसके दो तिहाई के बराबर है, जो थीटा है समपूरक का दो तिहाई है। बस हो गया, दो कोणों का योग। थीटा कोण है तो उसका समपूरक क्या होगा, 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस के बराबर है उसका दो तिहाई, तो 2 थीटा बराबर 18 तिहाई 54 और 3 3 थीटा 5 थीटा जो होगा, 5 थीटा हो जाएगा 540 के, तो थीटा बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 पनौटे 40, ठीक है ना, 180। अब इसका संपूरक क्या होगा, थीटा तो निकल गया हमारा 108, तो 180 में से यदि 108 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, समझ में आया है।